देख रहे हैं कानूनी जंगल। इस वक्त हमारी कानूनी जंगल की टीम मौजूद है सारण जिले के प्रखंड तरैया के पंचायत नारायणपुर में मुखिया जी के पास पहुंची है। आइए इनका परिचय इन्हीं से लेते हूँ। सबसे पहले सर अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, मैं ग्राम पंचायत नारायणपुर से निकली है। सर आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे घर पे आए और पंचायत के हमारे समस्या का आप अपने चैनल से सभी को दिखाएंगे। जैसे कि हम लोग पंचायत में है जो कि विकास का पहले से बहुत काम अधूरा था, जैसे कि रोड हुआ बहुत नली गली का जितना हुआ कि सभी जगह रोड ठीक से बना हुआ नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को बारिश वरिश में बहुत परेशानी होती है। और हमारे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि 20 साल से लगभग अधूरा पड़ा हुआ है, उसका कार्य अभी तक पूरा नहीं है, जिसके चलते यहाँ के जो जितना छोटा मोटा बीमारी होता है सभी लोगों को दूर जाना पड़ता है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इसी सब समस्या है कि हम लोग सोचे कि नहीं इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ें कि जितना समस्या है उसको सारा को दूर किया जाए। सर पंचायत में विकास का कार्य कौन कौन सा? विकास का कार्य जैसे कि नल जल का 7 हिस्से का कार्य है, तो पहले तो सभी नल जल का सारा कार्य हो चुका है, लेकिन उसमें जो है मेंटेनेंस का है जो हमेशा खराब रहता है, इसका सरकार का अभी कोई पैसा नहीं आया मेंटेनेंस का, जब आएगा तो करा दिया जाएगा। क्या राजनीतिक में आप कब से आए हैं? राजनीतिक में हम लगभग 6 साल से। कितनी मतों से आपको विजय प्राप्त? 59 मतों से। कुल कितने मतदाओं की संख्या? मुद्दाओं की संख्या 71 है पंचायत में। वार्ड संख्या कितने? 13 वार्ड संख्या है। 13 वार्डों में नल जल क्या बचता है? 13 वार्ड में नल जल का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन वही कहीं कहीं थोड़ा मेंटेनेंस का काम बाकी, इसके चलते पानी नहीं, तो एक दो जगह अधूरा पड़ा हुआ है, पानी नहीं चलता है, बाकी सब जगह चलता है। अभी कौन सा कार्य चल रहा है? अभी जैसे सरकार का मनरेगा योजना हुआ जिससे रोड भरा जाता है, कूलिंग ये सब काम चल रहा है, इंदिरा आवास का काम चल रहा है, पेंशन का कार्य चल रहा है, सरकार के लगभग जितने भी योजनाएँ हैं जो सब लोगों को मिलती है वो सब चल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र 3 है जो सरकारी बिल्डिंग है, और कहीं कहीं निजी स्कूल में भी चलते हैं, लेकिन सभी चलते हैं। स्वास्थ्य केंद्र है? एक उप स्वास्थ्य केंद्र जो बताएं कि वो अधूरा पड़ा हुआ है, जो अभी तक उसके लिए बहुत हम लोग बातचीत किए, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्य प्रगति नहीं है। शिक्षा स्कूल जितना है स्कूल चलता है, सभी स्कूलों में सभी विषय के टीचर हैं? ना, सभी विषय के सभी स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूल टीचर नहीं है, बिल्कुल तो सरकार का है बताया गया कि नहीं, जहाँ जहाँ पे है तो अपना सरकार बहाल करेगी। नारायणपुर पंचायत में सबसे मुख्य समस्या कौन सी? मुख्य समस्या वही है आपके उप स्वास्थ्य, जिसके चलते सबसे ज़्यादा परेशानी होता है, इसके लिए हम चाहेंगे कि आपके चैनल से जाए कि प्रशासन को भी मालूम चले कि नई उप स्वास्थ्य केंद्र बनाना बनाया तो उन्हें जरूरी है। धन्यवाद, देखते रहिए कानूनी जंगल।